Hey guys, it's me Lajik Ramsik and you guys are watching my YouTube channel IVS Blog. So guys, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग नहा धो के निकल चुके हैं। अभी हम लोग बटेश्वर स्थान के लिए निकल रहे हैं और अब से रेगुलर ब्लॉग आ रहेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना गाइज। एंड अभी बहुत ही धांसू धांसू ब्लॉग आने वाली है, तो स्टे ट्यून बने रहना चैनल। मुंह देखो, पसीना पसीना हो गया इसका। निकल गया है, खा रहे घर से, वहां से जो सोमनाथपुर घर से ही फोन गए थे, वही देखो फूल गया है पेट। केक है भाई, केक साथ हम लोग तीन जन जा रहे हैं, चार जन मतलब, एक पीताम्बर भैया, एक सुमित, एक पीछे भैंस बुगी भैंस। तो अब निकल रहे हैं। स्नैप बना रहा, अरे मछली पकड़ने वाला होगा। हम लोग उस पे जा रहे हैं गाइस, हम और पीताम्बर भाई गाइस, देखिएगा हमारे दो शेर। देखिए गाइस कहाँ गए हम लोग गाइस, भी जाता है। वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस, बटेश्वर आ गए हैं हम लोग। पांच के पहले यहाँ शुद्ध हो जाते हैं, यहाँ पे पहले शुद्ध हो जाते हैं, तब जगह को शुद्धिकरण करेंगे, आपको अच्छा से एक्सप्लोर करके बताएंगे यहाँ का पूरा एरिया, यहाँ कैसे क्या है, किधर अच्छा व्यू है फोटो के लिए, किधर पूजा होता है, सारा चीज आपको मिल जाएगा ये वीडियो में। पहले शुद्ध हो, पहले शुद्ध हो जाइए आप, शुद्ध हो जाइए आप लोग गाइस, हम लोग भी शुद्ध हो गए हैं इस तरह। हेलो वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस, तो आज हम लोग आ चुके हैं बटेश्वर स्थान अपने फ्रेंड लोग के साथ गाइस। और ये क्या हो रहा है बे, भोसड़ी के कुछ पकड़ रहे हैं, समझ रहे हो आप, हमें मछली पकड़ रहे हैं यार, गलत आदमी सब सोच। मिलते हैं अगले पार्ट में गाइस, तब तक। चाहिए यहाँ पे मिलता है, सारा चीज मिलता है, और पूजा का भी मिलता है इधर, बच्चे लोगों को खेलने के लिए भी मिलता है यहाँ पे सारा चीज, अब लोग देख ही रहे हैं इधर। यहाँ पे भी मंदिर है, ये किसका मंदिर है, शंकर जी का यहाँ पे मंदिर है गाइस, पहाड़ पे। ये कौन मंदिर है पीताम्बर भैया? वो तो पता, ये मंदिर इसमें कौन माता है, मतलब शिव जी। गाइज आप लोग इतना गर्मी में धूप में जा रहे हैं, एक लाइक तो बनता है क्या भैया, मेरा फोटो खींच दीजिएगा भैया, 200 रुपया। हाँ गाइज फोन भी मेरा ही रहेगा क्या? पोज भी अभी बताइएगा भैया, इतना महंगा, कुछ हम बैचलर के लिए सस्ता कर दीजिए कुछ। इंग्लैंड से आए हुए गाइस, पैसा टिकट कटा के ट्रेन से आए हुए हैं। इंग्लैंड से तुम ट्रेन से आया? हाँ, अपना स्पेशल ट्रिप होता है। नो, ये 1520 ईसा पूर्व का ही था। कब का है भाई? 1520 ईसा पूर्व। बाप रे बाप, ठीक ना, ये था जब हम बच्चा थे ना। हाँ। तब यहाँ आते थे हम, कबड्डी खेलते थे, सॉरी नुक्का छुपी खेलते थे। कोना दिख रहा है कोना? हाँ। एक बार वहाँ ऐसा छुपे थे कि चार मोहल्ला आदमी का लग गया खोजने में, 40 महीना अभी। अच्छा, नहीं पागल है क्या, 1720 में जाके मिले हम, 1720 में। हाँ, 1520 में खोए थे। तो और यहाँ क्या खेलता था? खाली सिर्फ नुक्का छुपे? हाँ बस नुक्का छुपे।
जगह नहीं बड़ा है, हमको चाहिए कम से कम 3-4 राज का जगह, तब उसमें कबड्डी खेल पाएंगे। साइकिल से कबड्डी खेलते? नहीं नहीं, ट्रेन से। ट्रेन खेलता है तो भाई, हेलीकॉप्टर से? हेलीकॉप्टर से तो हम लोग वो खेलते थे, बकरम पकड़ाई। बहुत ऊंचा है इधर गाइस, बहुत हाइडन हाइडन जगह छुपे एकदम। फैमिली लोग यहाँ पे आ सकते हैं घूमने, फैमिली लोग, एक नंबर जगह है। चुपके से बोल देते हैं, गर्लफ्रेंड को लेकर आइएगा साथ में, दोस्त चुपके से। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? समझ रहे हैं ना गाइस, कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे जरूर आए, ये सिर्फ आपको मेरे ही ब्लॉग में मिलेगा, इतने धूप में यहाँ पे आप लोग लाए। सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक। देखिए गाइस यहाँ का व्यू, पेड़ के नीचे आराम से रिलैक्स, एकदम मजा आ जाएगा। हाँ देखो तस्वीर, और ये यहाँ देखिए गाइस कुछ कलाकारी भी है यहाँ पे गाइस। है कौन चीज रे? है कलाकृति छे लगे छे। हाय देख है देखो कौन चीज है कि छोरे है ओ छे भगवा है भगवा छे नहीं नहीं गोर छे गोर हां ई की छे पेट 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 छे गए देर खाली बुगिया नियर छे भैसा नियर छे साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ। देखिए गाइस सिर्फ आप लोगों के लिए इतना मेहनत, इतने धूप में, वो भी जून जुलाई का धूप, आपको पता होगा कैसा रहता है। और अभी 60 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस पसीना पसीना हो गया है। सब्सक्राइब कर दो यार, इतना मेहनत करता है तेरा भाई। यहाँ पे खाली समय टाइम स्पेंड करने के लिए मस्त जगह है। ये देखिए गाइस गुफा, गुफा के अंदर भोले जी प्रणाम। जय हर हर शंभू, हर हर महादेव, जय। गाइस इसमें पहले डायनासोर रहता था, डायनासोर, उसके बाद सुमित रहने लगा। सुमित का एक फेवरेट जगह है। देखिए गाइस सिर्फ आपको मेरे ही ब्लॉग में मिलेगा ये सब गाइस। देखिए गाइस भूत रहता है गाइस अंदर, सुमित वाक फट गया। बस हवा निकल गई। टॉर्च जलाने लगा, देख रहे हैं सुमित सिर लो पीछे फट रहा है। इधर भी बंद है, उधर से आना पड़ेगा, कहीं से नहीं जाना पड़ेगा, अपने लिए बनाया। नहीं नहीं नहीं, भैंस वैस पालता था क्या इसमें? लग तो रहा इसी तरह। नहीं भैंसवा बड़ा बड़ा था ना, तभी भैंस 20-20 फीट का आता था, अभी धीरे धीरे छोटा होते गया, तभी 20-20 फीट का था। छोटा हो जाएगा संडे पार्टी, लाइक छोटा बहुत है, लाइक जैसे भैंस की आंख हो गया। ये सब गाली वहीं से उत्पन्न हुआ नागासाकी से, वहाँ चाइनीज से जापानीज का आंख और भैंस दोनों छोटा हुआ था, तो वहाँ से सब दोनों को मिला के गाली उत्पन्न हुआ। मतलब भैंस की आंख मतलब उस वही हाल करेंगे, न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, बम मार, पर्चा पर्चा फाड़ देंगे। अब थोड़ा सा गाइस आराम कर लेते हैं, बहुत धूप है आज, थोड़ा आराम करना बनता है। बैठो बैठो सब बैठो, पैराग्लाइडिंग करेंगे यहाँ का। पैराग ग्लाइडिंग हो जाएगा, पैर से जब इन्हें सटने जाएगा। वीडियो सांप पकड़ लो, सांप। तो गाइस अब हम लोग दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं, दूसरा गुफा, इधर एक और गुफा है, तो हम लोग उधर जा रहे हैं, उधर के जाकर आपको दिखाते हैं उधर कैसा क्या है। और तो गाइस हम लोग दूसरा गुफा में आ चुके हैं। सुमित ये कब का ये वाला है यहाँ? मतलब ये गुफा बनवाए थे हम ये बनवाए थे 1560 में लगभग। इसका यूज क्या था इसमें, तुम लोग मतलब बनवाया जो किस पर्पस से बनवाया? ये पर्पस था हमारी बहुत सारी कन्याएं थी, ठीक ना, कितनी थी महिला कन्याएं,
महिला के न्याय में। हाँ हाँ, लगभग 5-6 करोड़ होगी। 5-6 करोड़ हाँ, उसमें तो आबादी भी आबादी भी नहीं होगा उसमें इतना। अरे पगला, तभी तो हम भी नहीं थे ना, हम भी तभी नहीं थे ना। हाँ बाबा, हाँ प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। देखिए गाइस गुफा, देखो इधर, देखो गाइस गुफा। कितना दूर होता है भाई गुफा? बहुत चमगादड़ यार, डरो मत, खुलो मत जाती। डरोगे तो जिंदगी भर डरते रह जाओगे। गंजा समेत अच्छा है। यो गाइस, हम डरते नहीं है गाइस, बट डरा दिया जाए। थोड़ा सा बागहाट, भागलपुर, जमालपुर, मुंगेर, काष्ठाग्नि, सियाकुंड, 84 मुनि अड्डा, किनारा गंगा जी, चार रास्ता इधर से। इधर से विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, पीरपैंती, राजमहल, साहबगंज, मनिहारी, मंदार, तारापीठ, वासुकीनाथ, वैद्यनाथ। मंदार भी इधर से? हाँ, जमीन के अंदर अंदर सब सुरंग था। पहले घोड़ा दौड़ता था, मशाल जलती थी, मशाल का सुविधा था। अब जो है सो बंद कर दिया गया, अब कोई जाता ही नहीं। अब रोड बस भाग लो तो लोग रोड बस गुफा बंद कर दिया। कौन किया इधर तो खुला है? कौन किया? बंद हो गया जब गिरते गया इसका, टूट टूट के रसना गिरता है ना, रसना गिरता है। दूसरा बात है कि जो अंदर में खतरा है ना, जते अंदर जमीन ऑक्सीजन नहीं भेजते ओकरा से परेशानी छे। दोसर कते कोन तरह के विषैला जीव जंतु बैसल छै ओकरा से परेशानी छै, ओ कखनो नहीं अटैक कर सकैए। ई पहाड़ के अंदर में बहुत बड़ा बड़ा खंडहर है, पोखर है, इनारा है, कुआं है, तालाब है, सब कुछ है। तब ई कत्ता दूर जाता है? यहीं तक नहीं, 1000 फीट इधर भी जा सकते हो, 1000 फीट इधर भी जा सकते हो, 1000 फीट उधर भी। यहां पे नहीं, उससे आगे और भी है जो ना देखवे तो देख। लाइन जर्नो है उधर, सुनिए उधर जाके से जाने का रास्ता है। चलो देखो ना गुफा में भी। सो गाइस, हम लोग पूरे गुफा के अंदर घुस चुके हैं, सिर्फ चमगादड़ ही दिख रहा है आपको। अरे यार, इधर रास्ता बंद है, इधर रास्ता बंद है। अरे इधर है रास्ता, छोड़ दीजिए। अरे इधर से जाने का है। देखिए गाइस, चले गए, चलिए ना, चलो देखिए गाइस। आइए आइए, सिर्फ हमारे ही ब्लॉग में मिलेगा ये आप सब। आप लोग इतना करते हैं, एक लाइक तो बनता है। आओ 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 ना, ये देखिए, ये डर लग रहा है। सही ये बोलते डर लग रहा। देखिए गाइस, आप लोग के लिए इतना एकदम गुफा के अंदर आ गए, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। देखिए हम से भी घुसे थे। एक लाइक तो बनता है गाइस, एक लाइक कर दो यार, थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे। देखिए गाइस, तुम तो देखा कौन गुफा दिखाएगा। अभी हम लोग इधर ही आए थे, अभी यहीं तो आए यार। गंदा है उधर सुमित, अरे गंदा, अरे वहीं से गंदा है, गंदा यहाँ तक, यहीं तो आए हम लोग अभी। उधर है यार, इधर जाइएगा। हाँ हाँ, छोटा सा एक बिल्की मिलेगा, ठीक है, उसे इस उधर टपिएगा ना, फिर लंबा सा रास्ता इधर गया हुआ सीधा विक्रम से, ठीक ना। हाँ, और पानी भी जाता उधर से। अगला बार एक मिनट दे, थोड़ा जल्दी में छे। तो गाइस, हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से, सारा लोकेशन आपको दिखा और ब्लॉग को प्यार दिखाते रहिए। ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले गाइस। आंधी के हिसाब से लाइक मारे, आंधी के हिसाब से एकदम टूट पड़े, दबा के लाइक एंड शेयर करिए, एकदम शेयर जरूर, लाइक करना भूलिए, शेयर कर भूलिए। अब जल्द मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सी यू।